हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आप देख रहे हैं फूड लवर्स। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ आलू एंड गोभी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ टमाटो एंड ग्रीन चिली कट करके रख दिए हैं, और ये है हमारा पिसा हुआ मसाला। इसमें मैंने 10 से 15 लाल मिर्च ली हैं, और ऑनियन ली हैं, 2 ऑनियन ली हैं, एंड कुछ लहसुन की कलियाँ। सो गाइस, पिसे हुए मसाले का एक अलग टेस्ट होता है। सिलबट्टे का मसाला है ये, और ये है पीस। तो गाइज, चले करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऑयल रखा हुआ है कढ़ाई में, और ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 स्पून इसमें जीरा ऐड कर दिया है, और अब मैंने इसमें तेज पत्ते डाल दिए हैं। 2 तेज पत्ते ऐड कर दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि तेज पत्ते का एक अपना अलग टेस्ट है। और गाइज, ये है गरम मसाला, जो कि साबुत गरम मसाला था, बट हमने इसको मिक्सर कर लिया, बिकॉज़ इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है इस कंपैरिजन टू जो हमें मार्केट से मिलता है। तो गाइज, इसीलिए हमने कर लिया। तो अब हमने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और गाइज, अब हम इसमें सिलबट्टे वाला मसाला ऐड करने वाले हैं। एंड गाइज, बिलीव मी, जो मसाला हम सिलबट्टे पे पीस के जो भी सब्जी या जो भी रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा यमी बनती है। तो अब हमने इसमें पीस ऐड करी, और इसको मिक्स कर देते हैं। गाइज, मसाले को थोड़ा पकने देंगे, और वैसे अब मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है, और टमाटो ऐड करूँगी, एंड मिक्स वेल। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रहे हैं, 1 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, एंड मिक्स वेल। गाइज, अब हमने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, ताकि जो हमारे टमाटो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और हम इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। गाइज, मसाला पक चुका है। अब मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी है, ताकि जो मसाला है वो गोभी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके, और हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और अब मैंने इसमें पोटैटो भी ऐड किए हैं। सो गाइस, ऑलमोस्ट ऐड हो, मतलब जो मसाला है वो आलू गोभी में पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत रह गया हो, वो बोलते हैं ना, हीट में हो जाते हैं आलू, भाप में हो जाते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ज़्यादा नहीं, स्लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए पकने देंगे बस इसको। वैसे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। ढक देती हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए। सो गाइस, देख सकते हैं आप, हमारी आलू गोभी की सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी। एंड आप लोग देख सकते हैं कि हमारे आलू एंड गोभी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भी पक चुका है, मतलब एब्जॉर्ब हो चुका है, मिक्स हो चुका है। सो गाइस, अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। तो गाइस, दिस इज़ द फाइनल आउटलुक। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन लग रही है देखने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये। तो गाइस, आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि कितनी टेस्टी बनती है अगर हम सिलबट्टे के मसाले के साथ बनाएं। तो चलिए गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सपोर्ट करते रहें। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।